वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो थी ना वो थी सिख सहरी, और सहरी कह रही हूँ, इफ्तारी की तैयारी हम लोग कर रहे थे माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो ना पकौड़े बनाने की तैयारी चल रही है, और आज हमारे साथ काफ़ी बैड सीन हुआ है, हम आपको आगे चल के बताएँगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो ना मैंने फ्रूट वगैरह कुछ सामान मंगाया था जो ख़त्म हुआ हुआ था, साथ में फ्रूट चाट बनाने के लिए जो है वो सामान मंगाया था, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना रख रहे थे ताकि जो है वो शाम में भी आराम से जो है वो बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। तो ये सामान काफ़ी दिनों से जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, और खजूरें भी नहीं थी, तो मैंने कल फिर सामान वगैरह मंगवाया। तो हम लोग अब इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, बेसन भी नहीं था तो थोड़ा सा बेसन भी मैंने मंगवाया। ये आज तो सोचा था कि भाई पूरी इफ्तारी बनाएंगे, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी के गैस ने हमारा साथ ना दिया, तो जैसे तैसे था। बहरहाल इफ्तारी जो है वो हमने तैयार की, और एन टाइम पे जब हम पकोड़े तलने लग गए तो गैस जो है वो जा चुकी थी। तो बहरहाल रोज़ा अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा बड़ा सकून से इत्मीनान से और अल्लाह का शुक्र अदा करके हमने खोला, और कुछ पकोड़े तो उस वक्त बनाए और कुछ जो है फिर वो 8 बजे जो है वो गैस आई तो फिर हमने पकाए। एक घंटे बाद आई थी, नहीं 4-5 बजे की गैस गई हुई थी, और रोज़ा खोलने के 1 घंटे बाद आई है फिर। हाँ, और फिर जो है वो बाकी के पकौड़े वो हमने बनाए और चाय के साथ हमने खाए। तो मैं तो यही कहूँगी, शुक्र अदाई अल्लाह का करूँगी और तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्या कह सकते हैं। तो बस यही है कि मैंने मम्मी से हार मान ली, मैंने कहा मैं कल से अब पकौड़े नहीं बनाने वाली, आप कुछ भी कर। पकौड़े जो है वो बहुत शौक से बनवा रही थी, मम्मी कहती आज ज़्यादा बनाना, आज ज़्यादा बनाना, आज मेरे गले पड़ गए। मैं इसको यही कह रही थी कि भाई आज बेटा ज़्यादा बनाना, और आप देख भी रहे हैं हमने सामान भी ज़्यादा काटा था। मैं कह रही हूँ बेटा आज जो है ना पकोड़े खाने का दिल है तो आज थोड़े ज़्यादा ही बनाएंगे। और मेरे गले पड़े जो मुझे मगरिब के बाद उठ के, और हिम्मत भी नहीं थी, दिल चारों से सारी चीज़ें उठा के इंसान क्या बोले, बस वो इतना बुरा लग रहा था मुझे इफ्तारी के बाद फिर खड़े होकर पकौड़े तलना, लेकिन मैंने कहा अब रिस्क है, अब जाया होने से तो बेहतर इंसान पका के खा ले चाय के साथ। और आप यकीन करें इसने मुझसे मसाले भी इतने डलवाए कि वो मसाले खा के जो है ना मेरी तबीयत बल्कि ख़राब हो गई। मैंने वो लालच में पकोड़े भी ज़्यादा खा लिए और तबीयत भी मेरी ख़राब हुई। अब मैंने इसको, मैंने कहा अब तुम डालना मसाले फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। मसाले छोड़े हैं, पकोड़े ही नहीं मैं बनाने वाली तो मसाले क्या। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो रमज़ान जो है वो स्टार्ट हुआ है तो कभी कभार दिल तो करता ही है। दिल तो मेरा भी कल बहुत था, लेकिन जो हुआ है ना बस मैं इतना थक गई, आपको यकीन करें मैं चेक कर करके ना गैस आधी तो मैं उसी में ही हो गई रोज़े की हालत में। तुम अभी हो गए तो वो जो लोग हैं जो रोज़ खाते हैं उनका क्या हाल है? तुम पता नहीं बात कर कैसे लोग बना लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो गैस ही नहीं, कैसे बना लेते पकौड़े लोग? बना लेते हैं बस, सब कुछ कर लेते हैं जब उनको जरूरत होती है। कैसे गैस ही नहीं होगी तो पकौड़े कैसे बनेंगे मुझे बताएं ना। बेटा लोग इंतजाम करके रखते हैं ना, अगर गैस नहीं आई तो दूसरी जगह पे वो कर लेते हैं। यकीन करें मैंने हार मान ली, मैंने कहा पकौड़े मैं नहीं बनाऊंगी भैया, आप खुद पकौड़े बनाएंगी आप। अच्छा हमारा ऐसा है कि हम जो इफ्तारी है ना वो जिस दिन बनाते हैं तो फिर हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह फिर इफ्तारी में जो मुनासिब सा सामान होता है वो सारा हम खा लेते हैं तो इतनी भूख नहीं लगती है। और फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत जो सेहरी में खाना हो तो वो बस थोड़ा थोड़ा अगले दिन का पहले से सालन फिर पड़ा हुआ होता है, अगर किसी ने खाना खाना भी होता है तो वो फिर सालन गर्म करके खा लेते हैं वो फिर हम लोग सेहरी में। और चाय भी हम लोग सेहरी में ज़्यादा नहीं पीते हैं। मैं देखें मैं हर एक का अलग अलग तरीका, मैं तो हैरान होती हूँ कि सेहरी में भी चाय पी जाती है, हमें तो नींद ही नहीं पड़ती है, तो हम तो बहुत लाइट खाते हैं, बहुत सारे लोग अंडे खाते हैं, अंडे पराठे सालन। हमारे यहाँ जो है सेहरी का जो है वो खास हम लोग ये नहीं करते, कोई दूध पी लेता है, कोई लस्सी पी लेता है, किसी ने अगर पराठा खाना है तो वो पराठा खा लेता है, तो बहुत लाइट सी मतलब सेहरी हम लोग लेते हैं। तो फिर ये है कि रोज़ा खोलने के बाद अगर खाना बनाया तो फिर डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं, और अगर इफ्तारी बनाई है जिस दिन तो फिर खाना उस दिन नहीं बनाते। तो बस मैंने तो अब देखा था ना जो हाल आज मैंने मम्मी से कहा कि कल खाना ही बनेगा। इसने भी कानों को हाथ लगाया, मुझे इफ्तारी के बाद बहुत भूख लग रही थी कल आज शदीद ना, मुझे बहुत था कि मैं खाना पेट भर के पकौड़े वगैरह होंगे तो मैं खा लूंगी, और मुझे जो है वो मिला नहीं।
लेकिन खैर ये चलें, ये तो हंसी मजाक की भी बातें हो रही हैं, चूँकि अभी रमज़ान खैर के अभी काफ़ी रोज़े पड़े हैं तो दिल तो करता ही है। कुछ दिन बाद बना लेंगे जब कुछ बेहतर लगेगा, देखना पड़ेगा कि थोड़ा जल्दी बनाने पड़ेंगे फिर। ये ऐसे ही कह रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ही ना बनाया जाए, दिल करता है। चलो कुछ दिन रुक जाएंगे फिर इंशाल्लाह जो है क्या वो पता बनाएंगे। बन जाए दोबारा। हालांकि आप ये सच अगर पूछे मुझसे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इफ्तारी में पकौड़े खाएँ, समोसे खाएँ। आप जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बार बार ये कहते हैं कि भाई आप ना पकौड़े वगैरह ये सब कम खाएँ, लेकिन जाहिर है बच्चे कहते हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब और एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई इफ्तारी में पकौड़े समोसे ये सब मज़े के लगते हैं। अब मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन जाहिर है ये बच्चे हैं, इनका दिल करता है फिर इनके लिए बनाना पड़ता है। तो हम बड़े तो इतना नहीं खाते, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है, ये है बात। और आप वो तो बताएं खीर वाला सीन क्या हो, खीर बनाना मेरे लिए, मैं आपको कल वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी खीर आधी टूट टूट के, जिस तरह मैंने तौबा कर ली कि मैं खीर क्यों मैंने बना ली, जिस तरह मैंने पकौड़े भी हार मानी ना, उस तरह खीर ने भी मुझे बहुत रोला। आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। और खीर का तो पता है मैंने जो किया खीर। और का ये देखें, ये जब अफ्तार के बाद 8 बजे गैस आई है ना, तो कढ़ाई में जो पकौड़े पड़े थे वो फिर मैंने निकाले, और फिर मैंने अलग फरी पान में जो है वो ऑयल कम करके सेक के खाया मैंने। और ऐसा सत्यानाश हो गया था ना किचन का इस चक्कर में, फिर उसके बाद मैंने आराम से ही समेटा किचन भी। बहरहाल ये भी एक इंजॉय के दिन होते हैं, यादगार बातें होती हैं। तो ये कि चलें, इस रमज़ान में भी काफ़ी मज़ा आया कि हमने ऐसे किया था, ऐसे यादें रह जाती हैं बस। तो मैं यही कह रही थी कि बेटा यादें रह जाती हैं, कोई बात नहीं, तो दिन कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। चाय हमने जिस तरह बनाई है ना, कभी पकौड़े तल रहे, कभी चाय रख रहे, कभी। तो ये देखें, मैं फिर बाद में खा रही थी, ये कोई 8, 8:30, 9 बजे का टाइम था, तो फिर खाना वाना नहीं खाया बिल्कुल भी नहीं। ये आलू के भी मैंने खास तौर पर कल बन जो है ना सोचा था कि मैं रखूँगी आज। ये जो है फिर ये अफ्तारी के बाद की चीज़ें फिर हमने की थी जो हम आपको बता रही हैं। और जी आ गया था अब खीर का टाइम, जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने चावलों को, जो अम्मी तो सो गई थी, और मैंने कहा चलो मैं खीर जो है ना रात में ही पका के आराम से सर्दी से सोंगी, सुबह तक जो है ना वो सेट हो जाएगी। लेकिन मेरे नसीब में नहीं थी रात को खीर बनाना। जैसे ही इसने खीर चढ़ाई है ना, जैसे ही मैंने चावल और चीनी डाली, बस उसी वक्त गैस गायब हो गई। आप यकीन करें, सिर्फ उन्होंने मेरा ख्याल है 9 के 9:30 बजे तक दी है, ये इसने फारिग होने के बाद ना सारे काम वाम करने के बाद, बस ये ऊपर से 1 किलो दूध पड़ा हुआ था तो इसने कहा कि चलो मैं बना लेती हूँ, ये बस इसने उबाल दिलवाया है। चलें, बाकी की जो वीडियो है ना वो हम आपको अब अगले व्लॉग में बताएंगे कि आगे क्या हुआ। तो इसके साथ ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।